हेलो चैंपियंस, आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलीनोमियल, जिसमें कि आज कुछ जैसे एग्जांपल्स देखते हैं। 9x² + 12xy इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे उसके बारे में जानेंगे। फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमको ये जानना पड़ता है कि इसमें कॉमन क्या है, ऐसी कौन सी चीज है। इस पॉलीनोमियल का दो टर्म है आपके पास, ऐसी कौन सी चीज है जो दोनों टर्म में अवेलेबल है। हम इसे लिख सकते हैं 3 × 3 × x × x प्लस, और इस सेकंड टर्म्स को लिख सकते हैं 3 × 4 × x × y। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि दोनों में कॉमन क्या है। ये 3, ये 3 कॉमन है, ये x एंड ये x कॉमन है, तो ये दोनों चीज हम क्या की निकाल दी। अब हमारे पास क्या बच गया है, ये 3 एंड ये x, यानी कि 3x बच गया प्लस, और यहाँ 4y बच गया। ये इस पॉलीनोमियल का फैक्टराइजेशन कहलाता है। क्या कहलाएगा ये फैक्टराइजेशन, ये बेसिक है। इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट दूसरा देखेंगे कि इसका फैक्टराइजेशन क्या कैसे होगा। एक दूसरे सवाल को हम लोग यहां देखते हैं कि फैक्टराइजेशन करने के लिए -24xy इस सवाल को देखते हैं। तो क्या देखते हैं, ये 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, ये दोनों में क्या कॉमन है, 6 कॉमन है। क्या कॉमन है, 6 कॉमन है। x इसमें भी है, इसमें भी x भी कॉमन है, y दोनों में है, y भी कॉमन है। 6 कॉमन था, 6 निकाल चुके हैं 3, x² था, x निकाल चुके हैं, x हो जाएगा, y तो वो निकल ही चुका है, -6 × 4 = 4 है, 4 कॉमन हो जाएगा, x निकल चुका है, y निकल चुका है, ये हो जाएगा z। ये है इसका फैक्टराइजेशन इस पॉलीनोमियल का। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग अब मूव करते हैं नेक्स्ट फैक्टराइजेशन के लिए। कुछ सवाल है, अब एक फार्मूला को यूज करते हुए उसको फैक्टराइजेशन को यूज किया जाएगा, और उस फार्मूला को सबसे ज़्यादा यूज किया जाएगा इस फैक्टराइजेशन के लिए, वो है a² - b² = a + b (a - b). इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे फैक्टराइज करने के लिए। जैसे सबसे पहले सवाल क्या देखते हैं, 9x² - 16y², तो क्या बन जाएगा ये। हम इसको लिख सकते हैं 9x² को 3x² माइनस, और इसे लिख सकते हैं 4y² अब ये इस टर्म में आ गया। देखिए a² - b² के टर्म में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या पैटर्न बनता है, a + b, यानी कि 3x + 4y (a माइनस बी है 3x - 4y, ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। अब हम लोग अब नेक्स्ट सवाल एक और देखते हैं, इसमें क्या होता है, क्या यहाँ पे 3x³ - 48x इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, लेकिन इसमें पहले कुछ इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ कॉमन है हम उसको ले लेते हैं। तो ये 3 एंड ये 48, 16 × 3 = 48, यानी कि 3 कॉमन है, और x यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x है। हमको लाना किस टर्म में है, x² के टर्म में। उसके लिए पहले हम क्या करना पड़ेगा, x कॉमन लेना पड़ेगा, 3x निकल चुका है, ये हो जाएगा x² माइनस, ये हो जाएगा 16। अब क्या देख पा रहे हैं आप, ये 3x × x² - 16 को लिख सकते हैं आप 4y², अब हो जाएगा यहाँ पे 3x × x + 4 × x - 4, ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया। आप इसे सभी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा इसका, एंड ये इक्वल हो जाएगा इसका। तो ये तरीका था फैक्टराइजेशन का, इसका तरीका है ये फैक्टराइजेशन का। इसी तरह से अभी हम लोग और भी सवाल देखेंगे। आज फैक्टराइजेशन का ये सीरीज लंबा चलेगा, फैक्टराइजेशन का ये सीरीज लंबा चलेगा। अभी हम लोग आरएस अग्रवाल को डिस्कस कर रहे हैं, क्लास 9 का आरएस अग्रवाल, ये कंप्लीट इसमें जितना फैक्टराइजेशन है इसको कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग आरडी शर्मा को देखेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। एक है 150 - 6x², तो हम क्या देख पा रहे हैं, इस दोनों में कुछ कॉमन है, वो क्या कॉमन है, 6। 25 6 और 150 होता है, तो हम 6 कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा 25 - x²
उसके बाद हम लोग क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे 6 × 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, और ये अगेन आपको इस टर्म पे आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म पे, उसको हम लोग अगेन लिखेंगे यहाँ पे 6 × 5 + x × 5 - x, ये आपका हो गया फैक्टराइजेशन। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल और फिर देखेंगे, हम लोग दूसरा सवाल को देखते हैं, वो है आपका 5 - 20x² क्या देखिए 5 - 20x² ये एक नया सवाल हम लोग देखते हैं। अब देखिए दोनों में कुछ कॉमन है, ये तो इसके फॉर्म में तो है नहीं, बट उसको हम लोग पहले उसके फॉर्म में लाना पड़ेगा, उसके लिए क्या करेंगे दोनों में से 5 को हम कॉमन ले लेंगे। यदि कहीं पे किसी पॉलीनोमियल में इनकम्प्लीट टर्म यदि हम ले लेते हैं कॉमन, तो वहां पे क्या बचता है 1, कुछ नहीं बचता, क्या बचेगा 1 बचेगा, 1 माइनस 25 कॉमन ले चुके हैं तो 4x². अब इस टर्म को हम अगेन ऐसे लिख सकते हैं 5 × 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 पे कितना भी पावर दीजिएगा तो 1 ही होगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, माइनस 4x² को लिख सकते हैं 2x का और स्क्वायर, यहाँ पे हम मिडिल ब्रैकेट यूज करेंगे, ये आ गया। अब इसे फैक्टराइज करिए, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म आ गया, ये होगा 5 × 1 + 2x × 1 - 2x, तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया, क्या हो गया ये फैक्टराइजेशन। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट और भी सवाल है उस चीज को देखेंगे, बार बार हमें उसी फॉर्म में ला करके उसको कॉमन लेकर के फैक्टराइज करना पड़ता है कोई भी पॉलीनोमियल हो। एक सवाल नेक्स्ट और भी आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी, ये सवाल है इसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहली बात तो ये हमको ऑलरेडी इस फॉर्म में गिवन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में गिवन है, तो हम इसे क्या करेंगे मल्टीप्लाई के फॉर्म में ले लेंगे, कैसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्रोडक्ट के फॉर्म में हम इसको ले लेंगे। एंड अगेन यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि माइनस ए और माइनस बी है, तो हम इसे क्या करेंगे इसको माइनस वन कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, तो ये एक टर्म है एंड ये एक टर्म है, लेकिन हम दोनों में क्या देख पा रहे हैं कुछ कॉमन, क्या कॉमन है a प्लस बी कॉमन है, ये a प्लस बी एंड ये a प्लस बी, a प्लस बी हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बचेगा a माइनस बी एंड माइनस वन, ये क्या हो गया इसका ये फैक्टराइजेशन हो गया। अब नेक्स्ट हम देख और कुछ इस तरह के सवाल हम लोग देखेंगे, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसको कि हम लोग आज इसमें देखेंगे। एक और इसी पैटर्न पे एक सवाल है, थोड़ा तो घुमाया हुआ है, साइन का चेंजिंग है, a माइनस बी क्या देखिए a माइनस बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये यानी a माइनस बी ए माइनस बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी इजी है, क्या देखिए ये आपका ऑलरेडी a माइनस बी के फॉर्म में है, लेकिन इस दोनों में से यदि हम माइनस वन कॉमन ले लेते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है समझ में आ रहा है ना। अब इसके बाद क्या करना है यहाँ पे a माइनस बी तो है ही है और ये माइनस वन है यहाँ पे, लेकिन हम इसको अगेन हम इसको फैक्टराइज करेंगे, ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, ऐसा कुछ हो जाएगा। आप या तो आप माइनस भी कॉमन ले सकते हैं या माइनस वन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से दोनों आप लिख सकते हैं। तो क्या देख पा रहे हैं ये एक है और ये एक है, दोनों में a माइनस बी एंड a माइनस बी कॉमन है, क्या करेंगे a माइनस बी कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे। अब पिछले तुरंत कुछ देर पहले बताए थे कि यदि कंप्लीट टर्म कॉमन हो जाए तो आपको कुछ नहीं बचेगा, क्या बचेगा वन बचेगा, यहाँ पे लिखेंगे वन, उसके बाद ये टर्म हो चुका है तो अब ये टर्म बचा है, तो माइनस वन से पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस ए माइनस बी, ये आपका हो गया इसका क्या हो गया फैक्टराइजेशन, क्या हो गया इसका फैक्टराइजेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट सवाल हम और भी इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे, जैसे कि एक और है 25/4x², या देखिए 25/4x² माइनस 1/9y², ये सवाल है, हम इसे फैक्टराइज करने के लिए देखेंगे कि कैसे फैक्टराइज किया जाता है। तो इस 25/4 को लिख सकते हैं 5/2 का होल स्क्वायर x² ये ऑलरेडी है, माइनस 1/9 को लिख सकते हैं 1/3 का और स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये इसमें क्लियरिंग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप समझ पाए कि ये होता कैसे है,
आप सिर्फ क्वेरी से लेवल स्टेप को लिख रहे हैं। आगे क्या देख पा रहे हैं, इसको कंप्लीट हम ऐसे लिख सकते हैं 5 by 2 x का all square minus 1 by 3 y का all square, 1 by 3 y को आप y by 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 by a square minus b square का फॉर्म में आ गया 5 by 2 x, क्या हो गया 5 by 2 x plus 1 by 3 y into 5 by 2 x minus 1 by 3 y, ये ऐसा हो जाएगा। आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं 5x by 2 plus y by 3, बुक्स में हो सकता है ऐसे भी लिखा हुआ है, into 5x by 2 minus y by 3, ये भी इसका आंसर है एंड ये भी इसका आंसर है। हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, दोनों में कोई चेंजिंग नहीं है। तो हमको लगता है कि आई थिंक फैक्टराइजेशन आप समझ चुके हैं, सीख चुके हैं, देख रहे हैं कैसे कैसे क्या हो रहा है। अभी दो चार एग्जांपल्स और देखेंगे कैसे फैक्टराइज किया जाता है, और इसमें से बहुत सारे शायद हमको लगे कि ऐसा, यदि कुछ आप कमेंट कीजिए, यदि आपको जरूरत पड़ेगी हर सवाल को करना हो तो हम पूरे एक्सरसाइज को डील कर देंगे बोर्ड पे। हाँ, उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हो, यदि आप प्रीमियम क्लास लेना चाहते हैं और इसके बाद भी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो गूगल प्ले स्टोर पे सर्च कीजिए द मार्ग अकेडमी, क्या द मार्ग अकेडमी, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, हम वहाँ पे आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस में। हाँ, यहाँ पे लाइव क्लासेस होगा, डॉट क्लासेस होगा, प्रीवियस नोट्स अवेलेबल रहेगा वहाँ पे, एंड उसके बाद बहुत सारे टेस्ट वगैरह से वहाँ पे अपडेट किया जाएगा। हाँ, तो वहाँ पर हम लोग लाइव क्लासेस मिलेंगे, और यदि और कोई प्रॉब्लम होता है तो आप इससे पूछ सकते हैं। एक सवाल अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आता है, हम उसमें डिस्कस करेंगे। बहुतों स्टूडेंट्स ऑफलाइन क्लासेस में भी बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं, उसमें अक्सर उसको प्रॉब्लम होता है, उसे डिस्कस करेंगे। एक्स टू पावर एट माइनस वन, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, एक्स टू पावर एट माइनस वन, इसे कैसे हम फैक्टराइज करेंगे। कुछ स्टेप, दो चार स्टेप तो स्टूडेंट कर पाता है, लेकिन कंप्लीट स्टेप को नहीं कर पाता है। हम उसे आज देखेंगे कि ये होता कैसे। तो आप देख रहे हैं इसको, ये x टू पावर 8 को हम लिख सकते हैं x टू पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये अगेन इसी फॉर्म में आ गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इनटू a माइनस b। आप लोग आते हैं वीडियो देख के चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, देख रहे हम कितना मेहनत कर रहे हैं, पसीना आ रहा है, इतने गर्मी में वीडियो शूट कर रहे हैं आपके लिए। तो हम इसको अब अगेन तोड़ेंगे, क्या बन जाएगा ये x टू पावर 4 प्लस 1 इंटू एक्स टू पावर 4 माइनस 1। अगेन हम अभी इसको यह लिखेंगे लेकिन आगे स्प्लिट करेंगे, ये क्या हो जाएगा एक्स टू पावर 4 प्लस 1 इंटू, इसे अगेन हम तोड़ सकते हैं एक्स स्क्वायर का और स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, अभी हो जाएगा एक्स टू पावर 4 प्लस 1, और इसको तोड़ेंगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, अभी हो जाएगा एक्स पावर 4 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसको अगेन हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको फिर से तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। लेकिन इसमें और भी है जिसको कि हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, कुछ स्टेप्स है। अभी हम उस स्टेप्स को देखेंगे, यहाँ पे इस स्टेप्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, इस स्टेप्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये स्टेप्स कैसे होंगे। तो अभी यहाँ देखते हैं इसको कैसे तोड़ सकते हैं, x के पावर 4 प्लस 1, तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं। तो ये आपका क्या आ गया है, ऐसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b और स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है, एंड इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम इसे अभी स्प्लिट करेंगे, वो क्या हो जाएगा x स्क्वायर का और स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि इस पे पैटर्न पे यदि हम इसे डालते हैं ये x स्क्वायर प्लस 1 का और स्क्वायर एंड माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1, तो क्या बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का और स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर। तो अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे फंस जाता है कि यहाँ पे अब क्या करना है, यहाँ पे x तो स्क्वायर में है बट 2 स्क्वायर में नहीं है, तो हम इसको स्प्लिट करके इस फॉर्म में कैसे आकर के इसको फैक्टराइज करेंगे। तो वहां पे आप जानते हैं कि 2 इक्वल टू क्या हो सकता है, यहाँ पर 2 इक्वल टू 2 को लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, यानी कि 2 को लिख सकते हैं रूट 2 का होल स्क्वायर, हम इसे लिख सकते हैं।
तो इस जगह को, इस स्टेप को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन का और स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स का और स्क्वायर। रूट टू को हम लोग ऐसे रूट टू का स्क्वायर लिख देंगे, एक्स पे स्क्वायर है वैसा हो जाएगा। अब हम लोग क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, अब पैटर्न पे आ गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या लिखेंगे, ए प्लस बी टू ए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस रूट टू एक्स। ये रूट टू सिर्फ एक्स पे है, सॉरी रूट, ये रूट सिर्फ टू पे है, एक्स पे नहीं है। एंड इनटू लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस रूट टू एक्स। यानी कि ये जो पैटर्न है, ये जो स्टेप है, इसके बदले हम लोग को ये लिखना पड़ेगा। तो अगेन इसका जो कंप्लीट फैक्टराइजेशन होगा वो ये कुछ होगा, यानी कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस रूट टू एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस रूट टू एक्स, उसके बाद जो लिखा हुआ है वो आ जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, ये ऐसा कुछ आ जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये आपका ये कंप्लीट हो गया, इसके बाद ये आपका क्या हो गया, फैक्टराइजेशन। इसका एक्स टू पावर एट प्लस सॉरी माइनस वन का, ये इसका फैक्टराइजेशन। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। महासंग्राम ऑफ फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन में जितने भी टॉपिक्स बन सकता है, जितने तरीके से सोच सकते हैं, सबको हम लोग डिस्कस करेंगे बोर्ड पे, एक भी सवाल को नहीं छोड़ेंगे, हर चीज को डिस्कस करेंगे। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाए तब तक हम लोग इस टॉपिक्स को छोड़ेंगे नहीं। और बहुत जल्द ये आपका जितने भी आज हम डिस्कस किए हैं वो सवाल आपका है आरएस अग्रवाल के एक्सरसाइज नंबर 3A एंड 3B का डिस्कशन किया गया है। हाँ, इसमें जितने फैक्टराइज है पहले हम इसको देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आरडी शर्मा में भी चलेंगे। और जब तक हम इसे कंप्लीट नहीं करते तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। एंड विशेष इन्फॉर्मेशन के लिए, आप यदि हमसे लाइव क्लासेस में इंटरेक्ट होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर पर जाइए, द मार्क अकेडमी MARG द मार्क अकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, एंड वहाँ पे मिलते हैं हम लोग। एंड आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।